अपनी आंखों को बंद करेंगे हे अबा बीता तो हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का नया दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आप हमसे बहुत प्रेम करते आपके अपार प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हम तीन दिन से जो भी सीख रहे आप हमें बहुत अच्छे से सिखा रहे हो आपका पवित्र आत्मा हमें समझ दे रहा है आपकी वचन का इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और वो वचन जो भी हम सीख रहे वो वचन का बीज हमारे जीवन में जाके उसको उसके ऊपर हम विश्वास करके उसका एक अच्छा अंकुर आया उसे इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर जो वचन हमें मिलता है वही वचन वो वचन हमारे जीवन में नया कार्य करके उस वचन के बारे में हम जाके दूसरे लोगों तक तो भी पहुंचाते हैं और उनके जीवन में भी अच्छा नया कार्य हो रहा है आपके वचन के अनुसार इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर हे पवित्र आत्मा आप हमारा हमारी मददगार हो हर एक पल हर एक समय आप हमारे साथ होते हो हम हमें मार्ग दिखाते हो हमें अच्छी चीज़ प्रभु का वचन हमें समझाते हो इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यहाँ पे आज मैं जो भी वच आपका प्रभु का वचन मैं बताने वाली हूँ वो पवित्र आत्मा आपने मेरे शब्द से आपने वो वचन इन सब लोगों को समझाया है सरल भाषा में समझाया है इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और उन्हें बहुत अच्छे से वो वचन समझ गया, गया है ऐसा मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर ये प्रार्थना मैं प्रभु कृष्ण के नाम से करती हूँ आमिन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सबने नाश्ता किया है ना yeah. तो जोर से बोलो हाली लुआया प्रेज़ गॉड, प्रेज़ द लॉड। हम वचन लेंगे योहान का शुभ वर्तमान योहान हाँ गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर नाइन वर्स फाइव योहान का सुसमाचार अध्याय नौ वचन पाँच हिंदी में कौन पढ़ेगा माइक ओके तब तक मैं इंग्लिश में पढ़ती हूं एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड अभी ये कौन बोल रहा है एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड कौन जीसस, यीशु बोल रहा है हिंदी में जब मैं जब मैं जगत में हूँ जगत में हूँ बस अभी ये कौन बोल रहा है यीशु बोल रहा है कि मैं जगत में हूँ यीशु हमें ये वचन बता रहा है कि जब मैं जगत में हूँ अगर मैं मैं जगत की जगत की ज्योति हूँ ज्योति हूँ एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड कौन है ज्योति जगत की ज्योति कौन है यहाँ पे वचन कौन क्या बता रहा है कौन है जगत की ज्योति ये शु अभी यहाँ पे ये में बता रहा है कि जब मैं ज ये धरती पे हूँ मैं इस धरती का ज्योति हूँ आय एम द लाईट ऑफ दिस वर्ल्ड मराठी मे मी जगात आहे तोपर्यंत मी जगा जगाचा प्रकाश आहे येशू इथे म्हणतो की ह्या जगामध्ये जेव्हा येशू होता तेव्हा तो लो त्याच्या शिष्यांना लोकांना सांगत होता की मी ह्या जगाचा प्रकाश आहे मग आता काय येशू गेला ज्योतीही गेली येशू गेला प्रकाश गे प्रकाश पण गेला का नाही ते काय वचन येशू काय सांगत आहे की मी जोपर्यंत मी मी जगात आहे तोपर्यंत मी जगाचा प्रकाश आहे आता येशू या जगामध्ये का आला आपल्याला प्रकाश द्यायला जग ये, ये, ये धरती पर क्यों आया हमें ज्योति देने प्रकाश देने ओके हालीलु हालीलु अभी प्रकाश मतलब क्या वॉट इज लाइट वॉट इज लाइट प्रकाश मन से क्या कांगे अंधारातून प्रकाशामध्ये आणण्यासाठी प्रवेश ओके मी तुम्हाला डेफिनेशन देते ते लिहा इंग्लिशमध्ये सर्वांनी लिहायचं आहे ओके हां मी हिंदीमध्ये मराठीमध्ये पण सांग Light Light Conquers Darkness Light Conquers Darkness It symbolizes It symbolizes Holiness It symbolizes Holiness Holiness. When people struggle, when people struggle around you, when people struggle around you. You offer a way. You offer a way to help them. To help them to shine and glow. To help them to shine and glow by doing and saying. By doing and saying what Jesus did. First, light conquers darkness. It symbolizes holiness. When people struggle around you, you offer a way to help them to shine and glow by doing and saying what Jesus did. मराठीमध्ये प्रकाश अंधारावर विजय मिळवतो प्रकाश अंधारावर विजय मिळवतो ते पवित्रतेचे प्रतीक आहे ते पवित्रतेचे प्रतीक आहे जेव्हा लोक ती oh, तर ट्रान्सलेशन जेव्हा लोक तुमच्या आजूबाजूला झगडतात तेव्हा तुम्ही येशू काय केले ते सांगून त्यांना मदत कर ट्रान्सलेश एक मिनटं तू करू शकते ट्रान्सलेशन ओके okay. जेव्हा लोक जेव्हा तुमच्या आजूबाजूचे लोक तुमच्या आजूबाजूचे लोक जीवनामध्ये झट झटपटतात ना स्ट्रगलला काय म्हणतात मरा संघर्ष करतात जेव्हा तुमच्या आजूबाजूचे लोक संघर्ष करतात संघर्षामध्ये असतात संघर्षामध्ये असतात तेव्हा तुम्ही तुमच तेव्हा तुम्ही तुमच्या कार्या कार्य आणि बोलण्याद्वारे तुमच्या कार्यां आणि बोलण्याद्वारे जे येशूने केले जे चिन्हे जे येशूने के शिक केले तेच तुम्ही त्यांना करण्यास मदत करता जे येशूने केले तेच तुम्ही त्यांना करण्यास मदत करतात हिंदी लिहिलं सगळ्यांनी मराठीमध्ये एक मिनट एक ओके आ, प्रकाश अंधारावर विजय मिळवतो प्रकाश अंधारावर विजय मिळवतो ते पवित्रतेचे प्रतीक आहे पवित्र ते पवित्रतेचे प्रतीक आहे जेव्हा तुमच्या आजूबाजूचे लोक जेव्हा तुमच्या आजूबाजूचे लोक संघर्षात असतात तेव्हा तुमच्या कृतीद्वारे तुमच्या कृतीद्वारे आणि बोलण्याद्वारे तुमच्या कृतीद्वारे आणि बोलण्याद्वारे जी जे गोष्ट जे काही येशूने केले जे काही येशूने केले जे काही येशूने केले ते करण्याचा मार्ग दाखवतात ते करण्याचा मार्ग दाखवतात हिंदी ओके okay. प्रकाश अंधा अंधकार पर प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करता है प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करता है यह पवित्रता का प्रतीक है यह पवित्रता का प्रतीक है जब आपके आसपास के लोग जब आपके आसपास के लोग संघर्ष में रहते हैं जब आपके आसपास के लोग संघर्ष में रहते हैं तो आप आपके कृति और शब्दों द्वारा तब आप आपके कृति और शब्दों द्वारा जो कुछ यीशु ने किया शाइन एंड ग्लो को इंग्लिश ओ, हिंदी में क्या हाँ, जो कुछ यीशु ने किया वो उनके जीवन में जो कुछ यीशु ने किया वो उनके जीवन में उज्ज्वलता लाने का मदद करते हैं उज्ज्वलता लाने के लिए मदद करते हैं लिखा सबने उजाला उजाला लाने का उजाला लाने के लिए मदद करते हैं प्रेज़ थैंक यूर ओके हाँ ओके नाउ अभी जब हम कहते हैं कि लाइट प्रकाश हमें हमारे दिमाग में क्या आता है जब हम कहते हैं कि लाइट या फिर प्रकाश ज्योति हमारे दिमाग में क्या आता है नेचुरल लाइट सूर्य का प्रकाश सनलाइट मूनलाइट सुबह हो गई तो सूर्य का प्रकाश आता है रात हो गई तो मून लाइट चांद का प्रकाश आता है हालेलुया हालेलुया लेकिन यीशु कौन सी कौन सा प्रकाश हमें देने के लिए आया हम वचन में देखेंगे जॉन चैप्टर टूल्वर्स फोर्टी सिक्स जॉन चैप्टर ट्वेल्व वर्स फोर्टी सिक्स योहान योहान का शुभ वर्तमान अध्याय बारह वचन 46 सिक्स छेलीस ओके मराठी में योहान न शुभ वर्तमान अद्य बारा वचन से चालीस ओके आता इतना बह इंग आई हैव कम ऐस अन टू द वर्ल्ड दैट हु बिलीव्स इन मी शुड नॉट अवॉइडनेस मराठी मी मी प्रकाश प्रकाश असा असा जगात आलो आहे जगात आलो आहे थांब कोण आला आहे प्रकाश म्हणून जगात येशू आला आहे पुढे यासाठी की यासाठी की जो कोणी जो कोणी माझावर माझावर विश्वास ठेवतो विश्वास ठेवतो त्याने त्याने अंधारात अंधारात राहू नये राहू नये नये ओके हिंदी में मैं जगत में प्रकाश के रूप में आया ताकि हर वह व्यक्ति जो मुझ में विश्वास रखता है वो अंधकार में न रहे अभी यहां पे यशु क्या कह रहा है वो इस धरती पे क्यों आया वो इस धरती पे प्रकाश बन के आया और वो कहता है कि हर एक इंसान यहाँ पे जो यशु के ऊपर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा ओके okay. अभी आ, मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है आपके हिसाब से ओके okay. नाउ जब यीशु यहाँ पे धरती में आया तब उसने उसने हमें बहुत कुछ सिखाया बराबर जेवा यीशु धरती पर आला खूब कावी शिष्य निवड़े ही चोज द डिसपल्स ओके उसने शिष्यों को चुना बराबर उन शिष्यों को सिखाया कैसे चिन्ह करने हैं कैसे हाँ? हाँ, कैसे चमत्कार करने हैं वो शिष्यों को सिखाया उसने सिखाया कैसे दुष्ट आत्मा को निकालना है ये सब उसने उसके शिष्यों को सिखाया बराबर उसने हर एक शिष्यों को अलग अलग जगह पे भेजा बराबर लेकिन हर कोई इंसान मतलब हर कोई वो जो शिष्य था वो अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाए उस चीज में उसमें से कुछ ऐसे शिष्य थे जो उनका वो कार्य करने के लिए हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाए क्यों क्यों पता है कारण विश्वास कमी होता थोड़ा तरी अविश्वास होता सब कार्य नहीं करू शकले जो जब यीशु ने वो शिष्यों को चुना था उसमें कुछ शिष्य ऐसे थे जो वो कार्य नहीं आ, आ, पूरे सौ टका से नहीं कर पाए क्योंकि उनके जीवन में जो विश्वास था वो कम था वो उनके विश्वास में आ, कम उनके विश्वास में कमतरता थी ओके तो इसलिए उनके जीवन में वो लोग कहीं ना कहीं नीचे आ रहे थे कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहे थे लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पे ईश्वर क्या कहता है कि मैं जगत में प्रकाश के रूप में आया हूँ ताकि हर वह व्यक्ति जो मुझ में विश्वास रखता है अंधकार में न रहे ओके okay, तो अभी विश्वास मतलब क्या मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे है आपको डेफिनेशन पता है डेफिनेशन नहीं चाहिए विश्वास मतलब क्या निश्चित काम करना ओके okay, अभी uh, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ ट्रस्टिंग इन चीज मीन्स इवन दो यू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू आर यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ विश्वास मतलब अग, अगर अगर तुम्हारे जीवन में समस्या है और तुम परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हो ओके वो समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हो और फिर भी वो स, अ, श, अ, चाहे वो समस्या तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे फिर भी तुम निश्चय करते हो कि मैं यीशु पे ही विश्वास करूँगा ओके एक्चुअली ट्रस्ट इज भरोसा राइट ट्रस्ट इज भरोसा विश्वास मतलब फेथ ओके तो ट्रस्ट ट्रस्ट या ओके यू कैन राइट इट डाउन आप ये लिख सकते हो लिख के ले सकते हो ट्रस्टिंग इन चीज ट्रस्टिंग इन जीसस मीन्स trusting in Jesus means even though you have even though you have problems in your life even though you have problems in your life and you are praying to god and you are praying to god The result, the result, okay, and you are praying to God. The result of any kind of situation, the result of any kind of situation is in your favor, is in your favor or it is not in your favor or it is not in your favor you just in your favor you just choose to you just choose to believe in jesus christ you just choose to believe in Jesus Christ. Jesus Christ. Uh, yeah, in Jesus, uh, in Jesus' words. You just choose to believe in Jesus' words. Okay. Now, Hindi me. Marathi. Uh, Marathi. What? Yeshuvar. Vishwas. Vishwas. ठेवणाऱ्यांचा ठेवण्याचा अर्थ ठेवण्याचा अर्थ अर्थ असा आहे असा आहे की की जरी जरी तुमच्या जीवनात तुमच्या जीवनात तुम्हाला तुम्हाला समस्या समस्या येत आहेत आणि तुम्ही देवाला देवाला प्रार्थना प्रार्थना करत आहात करत आहात कोणत्याही कोणत्याही प्रकारच्या प्रकार थांबा हळूहळू परिस्थितीचा परिस्थितीचा परिणाम परिणाम तुमच्या तुमच्या बाजूने बाजूने आहे आहे किंवा किंवा तो तुमच्या ते तो तुमच्या बाजूने, बाजूने बाजूने नाही नाही तुम्ही फक्त तुम्ही फक्त येशूच्या येशूच्या वचनावर वचनावर विश्वास विश्वास ठेवण्याचे ठेवण्याचे निवडा निवडता निवडता लिहिलं लिला खालती ना खालती डाउन डाऊन येशूवर विश्वास ठेवण्याचा अर्थ असा की असा आहे की जरी तुमच्या जीवनात तुम्हाला समस्या येत आहे तुमच्या जीवनात तुम्हाला समस्या येत आहेत आणि तुम्ही देवाला प्रार्थना करता तुम्ही देवाला प्रार्थना करत आहात कोणत्याही प्रकारच्या परिस्थितीचा परिणाम तुमच्या बाजूने आहे किंवा तो तुमच्या बाजूने नाही तुमच्या कोणत्याही परिस्थितीचा कोणत्याही प्रकारच्या परिस्थितीचा परिणाम तुमच्या बाजूने आहे किंवा तो तुमच्या बाजूने नाही तुम्ही फक्त येशूच्या वचनावर विश्वास ठेवण्याचे निवडता आता ह्याचा अर्थ काय आहे की तुमच्या जीवनामध्ये खूप वेळेला काही समस्या येत असतील बरोबर आता लोक काय करतात समस्या आले का येशूकडे प्रार्थना करतात प्रार्थना करतात परंतु ते समस्या जातच नाही मग ते काय करतात आ, जो विश्वास आहे तो त्यांचा डगमळतो आणि ते विश्वास करण्याचं सोडून देतात येशूवर मग ते दुसऱ्या गोष्टींकडे ह्या त्या गोष्टींकडे पळतात बरोबर ते येशूपासून दूर जातात परंतु इथे पण जे लोक आता जे ज्यांच्या जीवना जे लोक परमेश्वराच्या वचनानुसार जे परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये वाढत आहेत ते लोक त्यांच्या जीवनामध्ये कितीही समस्या आली आणि जेव्हा ते देवाकडे प्रार्थना करतात त्यांच्या जीवनामध्ये जरी ते समस्या गेले किंवा नाही गेले पण ते ते एकच निर्णय करतात की मी फक्त आणि फक्त येशूवर विश्वास ठेवणार मला दुसरी कोणतीच गोष्ट नको आहे मला फक्त येशूवरच विश्वास ठेवायचा आहे समजलं तुम्हाला समजलं ओके हालेलो या हिंदी हिंदी में? हिंदी मी ओके येशू पर भरोसा करने का मतलब है की यीशु पर भरोसा करने का मतलब है कि भले ही आपके जीवन में भले ही आपके जीवन में समस्याएं हो और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो भले ही आपके जीवन में समस्या हो और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो Osionfish. किसी भी प्रकार की स्थिति का परिणाम किसी भी प्रकार की स्थिति का परिणाम आपके पक्ष में हो या आपके पक्ष में ना हो किसी भी स्थिति का परिणाम आपके पक्ष में हो या आपके पक्ष में ना न हो आप बस यीशु के वचन पर विश्वास करना चुनते हैं आप बस यीशु के वचन पर विश्वास करना चुनते हैं समझ आए आपको कि यहाँ पे जो इंसान बहुत बार जिन लोगों को यीशु का प्रेम अनुभव नहीं हुआ है वो लोग उनके जीवन में समस्या आने के बाद क्या करते हैं यीशु से थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करेंगे फिर भी उनकी अगर समस्या नहीं जा रही है जीवन में से तो दूसरे चीज़ों के पास भागते हैं से दूर हो जाते लेकिन जो इंसान ये जिसने जो यीशु के वचन को फॉलो करता है उसके वचन के अनुसार चलता है यीशु के प्रेम से भरा है वो इंसान उसके जीवन में कितनी भी समस्या आने दो जब वो यीशु के पास पास प्रार्थना करता है चाहे वो समझ उसके जीवन में से जाए या ना जाए लेकिन वो निर्णय करता है थाम लेता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु के वचन पे ही विश्वास करूँगा मुझे और कुछ चीज़ें नहीं चाहिए मुझे सिर्फ यीशु चाहिए हाल समझ आ हा रहा है आपको ओके लिखा सबने कौन से लैंग्वेज में चाहिए आपको हिंदी इत आए तुम्हें लिया ओके okay, मी फाइव मिनट्स देते पट कर लिया वेर इज योर बुक कम युकम वाई यू सिटिंग देर इतें बस ओके okay. तर तो जो मनुष्य आहे जो येशूवरती विश्वास ठेवतो येशूवरती भरोसा ठेवतो त्या मनुष्याला काही जीवनामध्ये काय परिणाम आहे काय जीवनामध्ये आहे त्याचा त्याला काही फरक नाही पडत व को कुछ फरक नाही पडता उसके जीवन चाहे जीवनमध्ये समस्या हो या का क्या हो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु पे रहता है ओके प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत बार हम क्या करते हैं कभी कभी अच्छा, आ, हम लोगों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं एक्सपेक्ट मतलब आशा हम उन हमें उनसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपेक्षा अपेक्षा सॉरी हम लोगों से कुछ ना कुछ अपेक्षा करते हैं ओके okay? तो लेकिन कई बार वो चीज़ें हमारे हमें जैसे चाहिए वैसे नहीं होता है बराबर आ, हम लोगों से कुछ ना कुछ अपेक्षा रहते रखते हैं लेकिन वो हमारे अपेक्षा के अनुसार नहीं होता है तो हम क्या करते हैं वो इंसान से बात करना छोड़ते बोलते मुझे इससे बात नहीं करना है ये मे, ये मेरा फ्रेंड नहीं है मुझसे दूर रहो ऐसे कहते हैं ना बराबर वैसे ही प्रार्थना में हमारे विश्वास में रहता है कि हम यीशु के साथ भी बहुत बार वैसे ही करते हैं अगर हमें यीशु से कुछ हमारे अपेक्षा के अनुसार हमें अगर यीशु से नहीं मिला तो हम यीशु को हम यीशु से हम दूर हो जाते हैं हम प्रार्थना करना बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं हालया हालया लेकिन यीशु में क्या कहता है वचन में गो बैक टू दैट वर्स आई हैव मैं जगत में प्रकाश के रूप में आया हूँ ताकि हर वह व्यक्ति जो मुझ में भरोसा रखता है अभी हमें हम इंसान हैं हमारे जीवन में बहुत ट्रस्टिश्यूज रहते हैं बराबर हम किसी पे विश्वास नहीं कर पाते ज़्यादातर तब तो परमेश्वर ने हमें एक मददगार दिया है बराबर कौन है वो मददगार पवित्र आत्मा तो प, हम जो पवित्र आत्मा को कहते हैं पवित्र आत्मा को कहते हैं कि आप मेरी मदद करो आप मुझे सिखाओ जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में अलाव करते हैं हम हमें सिखाने के लिए तब वो हमें हमारा भरोसा हमें भरोसा यीशु पे विश्वास रखने के लिए वो हमें चलाता है वो हमें सिखाता है हाल तो लेकिन वो तभी होगा जब हम हो, पवित्र आत्मा से जाके पूछेंगे उससे बात करेंगे अगर हमने जाके कुछ कहा ही नहीं पवित्र आत्मा से तो क्या हम हमें कुछ समझ आएगा नहीं हमें पवित्र आत्मा से बात करना होगा उसके लिए उसको जाके बोलना होगा कि मैं यहाँ पे मेरे जीवन में आ, मेरा विश्वास कम हो रहा है या फिर यहाँ 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 ये यह, ये यह, मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रहे है आप मुझे सिखाओ मुझे क्या करना है आप मुझे मेरे विश्वास में दृढ़ करने के लिए शक्ति दो आप मुझे मार्ग दिखाओ मदद करो मेरी तभी वो पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में कार्य कर सकेगा हाली लुइय हाली लुली लुइय प्रे सलोद प्रेस ओके तो चिल्ड्रन सब लोग यहाँ पे ध्यान दो बात नहीं करना है नहीं okay. तो इतने बस विना तभी ओके तो यहाँ पे आगे लिखा है मैं जगत में प्रकाश के रूप में आया हूँ ये जगत में प्रकाश के रूप में आए है ताकि हर वह व्यक्ति जो यीशु पे विश्वास भरोसा रखता है विश्वास रखता है वो अंधकार में न रहे अभी मेरा एक क्वेश्चन है आपके हिसाब से साइंटिफिकली अंधकार डार्कनेस मतलब क्या वॉट इज डार्कनेस अंधकार मतलब क्या जीवन में समस्या ओके okay. लेकिन साइंटिफिकली हम, हम हमें 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 हमारे जीवन में संसार में धरती पे स्कूल में विज्ञान। हाँ हाँ विज्ञान के अनुसार क्या है डार्कनेस अंधकार हमें स्कूल में क्या सीखा है डार्कनेस क्या है स्कूल में पढ़े हो ना तो वहां पे हमें क्या सीख यस ओके एबसेंस ऑफ लाइट प्रेज द लॉर्ड मतलब क्या कि uh, जो प्रकाश है एबसेंस uh, को क्या बोलते हैं कमतर तो नहीं एबसेंस uh, मतलब हाँ, अनुपस्थिति हा, प्रकाश की अनुपस्थिति प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है अगर प्रकाश नहीं है तो वहां पे क्या होगा अंधकार ही आएगा बराबर राइट अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रूम है ओके एक रूम है जहां पे खिड़की दरवाजा सब बंद है और वहां पे पूरा अंधकार है और मैं जाके स्विच ऑन करूंगी तो क्या होगा लाइट आएगी बराबर लेकिन जब स्विच ऑफ था तब क्या था हाँ अंधकार था वहां पे लाइट बिल्कुल भी नहीं थी ओके तो बोलो तो जब मैंने जाके स्विच ऑन किया तब वहां पे प्रकाश आया अभी वो जो स्विच ऑन करने के बाद वो वो जो बल्ब बल्ब था, क्या वो बल्ब इधर उधर घुमा प्रकाश देने के लिए नहीं।, नहीं वो बल्ब तो एक ही जगह पे था ना ये ट्यूबलाइट पे एक ही जगह पे है लेकिन वो बल्ब ने क्या किया जैसे ही लाइट आया पूरे रूम में प्रकाश आया बराबर Uh, जो कॉर्नर है जहां पे लाइट नहीं जाती थी वहां पे भी लाइट पहुंचा बराबर yes? तो वो जो बल्ब था उससे वो प्रकाश खाली बल्ब के लिए नहीं उतनी ही जगह के लिए नहीं बल्कि पूरे रूम में पूरे कमरे में वो प्रकाश फैल गया बराबर हाल प्रेस So, तो पहले हमारा जो जीवन था हम भी हमें वचन का जब ज्ञान नहीं था हमें वचन की समझ नहीं थी उससे पहले हम भी अंधकार में जीते थे बराबर हमें वचन के बारे में कुछ नहीं पता था हमारा जीवन कैसा था पूरे अंधकार में था वहां पे प्रभु का वचन का ज्ञान नहीं था हमें सिर्फ संसार की धरती इस संसार का ज्ञान था और हम उसी के अनुसार चलते रहे बराबर तो जब हमें वचन मिला हमें परमेश्वर का वचन मिला तब हमारे जीवन में वो प्रकाश आया बराबर जब हमें वचन मिला खाली मिला नहीं तो हमने क्या किया उस वचन के अनुसार चलते गए वो हमारे जीवन में क्या किया प्रैक्टिस किया बराबर वचन के अनुसार कार्य किया तो तब हमारे जीवन में क्या हुआ प्रकाश निर्माण हुआ और वो कौन सा प्रकाश था आत्मिक किसका प्रकाश था वो प्रभु यीशु का प्रकाश ओके तो वो जो हमारे जीवन में प्रकाश निर्माण हुआ वो प्रभु यीशु का प्रकाश था ना कि सूर्य का प्रकाश या फिर चांद का प्रकाश ये नहीं था बल्कि प्रभु यीशु का प्रकाश था। लॉर्ड। तो यीशु कौन है वो प्रकाश है कौन है यीशु प्रकाश है तो अभी यीशु प्रकाश है बराबर तो अभी यीशु कहाँ पे आया है तुम्हारे अंदर है ना? तुम्हारे दिल में है बराबर अभी तुम जहाँ जहाँ जाओगे ज, आ, किसी के पास भी जाओगे तुम क्या कर रहे हो तुम्हारे साथ यीशु का प्रकाश लेके चल रहे हो बराबर जहाँ जहाँ जिस किसी भी इंसान के साथ पास जा रहे हो वहां पे तुम प्रभु का प्रकाश लेके जा रहे हो जैसे वो बल्ब प्रकाश खुद के लिए ना रख के पूरे रूम में उसने प्रकाश फैलाया वैसे तुम भी तुम्हारे जीवन में जब तुम्हारे जीवन में यीशु का प्रकाश निर्माण होता है वो प्रकाश लेके तुम दूसरे लोगों के पास जाओगे और वो तुम्हें देखते हैं जब वो लोग देखते हैं तुम्हें तुम्हारा कार्य शब्द देखेंगे जो परमेश्वर के प्रेम के अनुसार उसके वचन के अनुसार होगा वो प्रकाश उनके जीवन में भी आएगा बराबर उनको भी वो लाइट देगा ना बराबर जैसे ही वो बल्ब पूरे रूम को लाइट देता है वैसे ही तुम्हारा जो प्रकाश है वो भी तुम जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ वहाँ वो प्रकाश फैलता है हाल ही प्रेस डाल प्रेस डलोर तो उसका मतलब क्या है अभी जहां जहां भी तुम जाते हो वहां तुम परमेश्वर का प्रकाश दे रहे हो अभी इसका मतलब क्या है मैं इस जग का हूं फिर भी मैं ये जग का नहीं हूं मैं परमेश्वर के राज्य का हूं बराबर इवन इन दिस वर्ल्ड आई एम नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड मैं ये ये जो जग है फिलिपिन 320, ओके सो यू सी स्क्रिप्चर आप लिख सकते हो कि ओके ये ना पॉइंट लिख के लो कि जब मैं परमेश्वर का प्रकाश <laughs> ओके इन इंग्लिश हर्टेल हाँ इन इंग्लिश हटेल व्हेन आई व्हेन आई एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ जीसस In my life, uh, when I accept the word of Jesus in my life and start practicing or living according to the word of Jesus, st and start practicing and living according to the word of Jesus, the light of Jesus shines brightly. The light of Jesus shines brightly in me. Huh? And uh, that I'm telling you. <laughs> the light of Jesus. Okay, okay. <laughs> sure, sure. Huh. When I accept the word of Jesus, the words of Jesus in my life, when i accept the words of jesus in my life and start practicing and living according to the words of jesus according to the words of jesus the light of jesus the light of jesus shines brightly in me shines brightly in me and wherever I go, and wherever I go, it shines through me, it shines through me. Okay. मराठी जेव्हा मी माझ्या जीवनात येश जेव्हा मी जेव्हा मी माझ्या जीवनात तुम्ही लिहिलं लिहा जेव्हा मी माझ्या जीवनात येशूचे वचन स्वीकारतो येशूचे वचन स्वीकारतो आणि येशूच्या वचनानुसार वाक्तो हाँ येशूच्या वचनानुसार वाक्तो येशूच्या वचनानुसार वाक्तो हाँ आणि जीवन जगू लागतो आणि जीवन जगू लागतो येशूच्या वचनाचा वागतो आणि जीवन जगू लागतो तेव्हा येशूचा प्रकाश येशूचा प्रकाश माझ्यामध्ये तेजस्वीपणे चमकतो माझ येशूचा प्रकाश प्रकाश माझ्यामध्ये तेजस्वीपणे चमकतो आणि मी जिथे जिथे जातो आणि मी जिथे जिथे जातो तेथे ते माझा द्वारे तिथे येशूचा प्रकाश तिथे येशूचा प्रकाश माझा द्वारे चमकतो तिथे येशूचा प्रकाश माझा द्वारे समझ चमकतो हिंदी में जब मैं अपने जब मैं अपने जीवन में यीशु के वचन को स्वीकार करता हूँ जब मैं अपने जीवन में यीशु के वचन को स्वीकार करता हूँ और यीशु के वचन के अनुसार अभ्यास करना यीशु के वचन के अनुसार अभ्यास करना और जीवन जीना और जीवन जीना शुरू करता हूँ शुरू करता हूँ तो यीशु का प्रकाश तो यीशु का प्रकाश मुझ में चमकता है तो यीशु का प्रकाश मुझ में चमकता है और मैं जहाँ भी जाता हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरे द्वारा वहाँ मेरे माध्यम से यीशु का प्रकाश चमकता है मेरे माध्यम से येशू का प्रकाश चमकता है समजलं तुम्हाला की जेव्हा मी येशूचं वचन घेतो त्याच्या वचनानुसार चालतो त्याच्या प्रेमामध्ये वाढतो तेव्हा त्याचा जो प्रकाश आहे तो माझ्यामध्ये येतो आणि जिथे जिथे मी जातो तिथे तो प्रकाश माझ्याद्वारे चमकतो लो दुसऱ्या लोकांसमोर आणि ओके okay. हां वी वर सिंग दॅट फिलिपिन्स थ्री ट्वेंटी ना लिहिलं सगळ्यांनी किती जण लिहत आहेत ओके ओके राईट राईट लिहा लिहा हां लिहा हां हां ओके जस्ट सेक्ट बाइबल बाइबल मधे फिलिपींस थ्री ट्वेंटी मैं इंग्लिश मधे वाच से बट वी आर डिफरेंट बिकॉज आर सिटीजनशिप इज इन हैवन एंड फ्रॉम देर वी ईगरली अवेट द कमिंग ऑफ द सेवियर द लॉर्ड जीजस क्राइस्ट अभी यहाँ पे जो पहला है वहाँ पे लिखा है कि हम अलग है क्योंकि हमारा जो तो, हमारा जो सिटीजनशिप इज सिटी नागरिकत्व 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 नागरिकता हाँ सो हिंदी हिंदी में हाँ हाँ नागरिकता सो हम अलग है क्योंकि हमारी जो नागरिकता है हमारे जो निवास आहे हम वो स्वर्ग का है ये दुनिया का नहीं, बल्कि वो स्वर्ग का नागरिकता है आमचं जे राहणीकरण आहे ते ह्या जगातलं नाही तर स्वर्गातील परमेश्वराच्या राज्याचं आहे बरोबर त्यामुळे जिथे जिथे मी जातो तिथे फक्त येशूचा प्रकाश पसरतो कारण मी येशूच्या राज्यामध्ये राहतो बरोबर हा लिहि या फ्रेसलोड झालं लिहून किती जणं लिहत आहेत अजून पटापट लिहा ओके तुमच्या बाजूला कोणी लिहिलं असेल तर त्यांचं कॉपी करा जॉन वन फाईव्ह योहनाचं शुभवर्तमान अध्याय एक वचन पाच योहना का शुभवर्तमान अध्याय एक वचन पाच ओके ओके अभी अभी ओके हालेलो हालेलो हां वाच इथे हे वाल वाच येवनाचं एक पाच हा प्रकाश हा प्रकाश अंधारात सर्वांनी बोलायचंय हा प्रकाश अंधारात अंधारात प्रकाशतो प्रकाशतो पण पण त्या प्रकाशाला प्रकाशाला अंधाराने अंधारे अंधाराने पराभूत पराभूत केले नाही केले नाही ओके हिंदी में प्रकाश अंधेरे में चमकता है पर अंधेरा उसे समझ नहीं पाया इन इंग्लिश एंड द लाइट शाइन्स इन द डार्कनेस एंड द डार्कनेस डिड नॉट कॉम्प्रहेंड इट अभी आपने कभी देखा है कि आ, कहीं पे प्रकाश है और जो अंधकार है वो प्रकाश को खा रहा है ऐसा कभी देखा? मतलब प्रकाश को प्रकाश के ऊपर अंधकार आ रहा है ऐसा कभी देखा है नहीं जब अंधकार रहता है वहां पे अगर तुम प्रकाश फॉर एग्जाम्पल अभी रूम में जब तुम स्विच ऑन करोगे तो लाइट चालू होगा बराबर और वहाँ पे जो अंधकार था उस पर प्रकाश उजाला होगा बराबर तो यहाँ पे क्या है कि जो लाइट है वो अंधकार को दूर करती है, नष्ट करती है ओके जो लाइट है वो अंधकार को नष्ट करती है और अंधकार उसका कुछ भी नहीं कर सकता ओके <प्राण harmonic> अंधकार वो लाइट के लाइट पे कुछ नहीं कर सकता है अंधकार को लाइट पे कोई भी अधिकार नहीं है लेकिन लाइट को अंधकार पे अधिकार है प्रकाश को अंधकार पे अधिकार है अभी तुम्हारे जीवन में जब वो परमेश्वर का प्रकाश आया आ, तो तुम वो प्रकाश लेके परमेश्वर का प्रकाश लेके जब दूसरे लोगों के पास जाते हो उनके जीवन में अगर समस्या है प्रॉब्लम्स है अभी आ, मेरा एक क्वेश्चन है किसी के जीवन में अंधकार होगा अभी अंधकार किसी के जीवन में अंधकार होना मतलब क्या समस्या होना तनाव होना परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होना ओके तो अगर तुम उस इंसान के पास गए तो उस इंसान में से वो अंधकार तुम कैसे निकालोगे तुम परमेश्वर का प्रकाश लेके अगर उस इंसान के पास गए तो वो इंसान का अंधकार तुम कैसे निकालोगे इंसान के जीवन का अंधकार क्या तुम जाके उस बोलोगे हाथ रखोगे इन द नेम ऑफ चीजस अभी के अभी ये अंधकार निकल जाओ बोलोगे ऐसा नहीं अ, क्या तुम जाके डायरेक्टली उसको बोलोगे वचन वो इंसान जिसके जीवन में अंधकार है जाके उसको डायरेक्टली वचन सुनाने लगोगे वो बोलेगा मुझे नहीं सुनना है तुम निकल जाओ यहाँ से बराबर तो हाँ हाँ तो वो तुम कैसे करोगे आप कैसे करोगे लेकिन अभी डायरेक्टली आप उनको सुसमाचार देने के लिए गए क्या वो सुनेंगे उनके पास विश्वास नहीं है कुछ नहीं है तो क्या वो सुनेंगे नहीं हमें क्या करना होगा फिर उसके लिए हाँ वो क्या करेंगे पता है? उनको अगर तुम बोलोगे ना एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे चिल्ड्रन मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी अगर आपके फ्रेंड ओके uh, okay, अगर जो एल आस्किंग यू ओके इफ योर फ्रेंड हैज अ डार्कनेस इन हिज लाइफ तुम उसके पास तुम्हें अगर वो डार्कनेस निकलना है तो तुम क्या करोगे उसके जीवन में से डार्कनेस निकलना है और तुम्हें उसको परमेश्वर का प्रेम यू वॉन्ट हिम टू नो द लव ऑफ गॉड Okay. So what you will do? Oh. Mike, give him a mic. Oh, see, say, say. Okay. See. Ah, see. You will buy your character. character. ओके okay. वो क्या बोली कि मेरा जो कैरेक्टर है मैं जो जैसे बिहेव करती हूँ मेरा जो कैरेक्टर नीच हाँ हाँ मेरे कृति द्वारा मेरे बिहेवियर के द्वारा मैं उसको परमेश्वर का प्रेम दिखाऊंगी मैं जैसे किसी से बात करती हूँ मैं जैसे किस आ, रहती हूँ कैसे रहती हूँ क्या कृति करती हूँ वो सारी कृति में परमेश्वर का जब प्रकाश दिखेगा उस इंसान को तब उसे पता चलेगा कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है वो इंसान को आपके कृति द्वारा देखिल बदल सकता है अगर आप जाके वो इंसान को वचन सुनाने लगोगे डायरेक्टली वो नहीं सुनेगा पहले वो आपको ऑब्जर्व करेगा हर एक इंसान एक दूसरे दु, को ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे रहता है अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है सब पता है लेकिन अगर आपका बिहेवियर आपका जो कृति है वो परमेश्वर के प्रेम के अनुसार नहीं है वचन के अनुसार नहीं है तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा लेकिन हम किसी के जीवन में से अंधकार को तभी दूर कर सकते हैं जब हम हमारा प्रकाश हमारी कृति परमेश्वर का प्रकाश है वो हमारी कृति द्वारा उनको दिखाएंगे तभी उनके जीवन में बदलाव चालू होगा समझे समझे आपको द प्रेस प्रेज़ प्रेस लॉर्ड तो ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम सच में प्रकाश है क्या हम सच में प्रकाश है अनुभव करके हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे द लु प्रेज प्रेस जलौद तो प्रकाश क्या करेगा वो जो अंधकार है उस पर उसको नष्ट करेगा परमेश्वर का प्रकाश हाल लु अभी अभी पहला वचन हमने जो देखा जॉन का ओ, नाइन फाइव उसमें क्या लिखा है यीशु ने कि एज लॉन्ग एज आम इन दिस वर्ल्ड जब तक मैं ये धरती पे हूं मैं इस धरती का प्रकाश हूं बराबर अभी ये गया आ, पिता के राइट हैंड में है, तो अभी यशु धरती पे नहीं है तो क्या प्रकाश भी चला गया यशु के साथ नहीं बराबर प्रकाश येशु के साथ नहीं गया है येशु ने हमें कौन दिया है उसका पवित्र आत्मा हमें दिया है बराबर हालेलुया तो वो जो पवित्र आत्मा है हम हमें उससे बातें करना है हमें उसको पूछना है कि तुम मुझे सही मार्ग दिखाओ तुम मुझे आ, वो सामर्थ्य दो यीशु के वचन के अनुसार चलने और जहाँ जहाँ मैं लोगों के पास जाती हूँ उनको मेरा मेरे अंदर परमेश्वर का प्रकाश टीके बराबर जब तुम पवित्र आत्मा से कहोगे पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करता है हर समय वो जो प्रकाश है वो प्रकाश में कैसे चलना है परमेश्वर के प्रकाश में कैसे चलना है वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा बराबर हालेलुया हालेलुया और जब जब आप प्रकाश में चलोगे वो प्रकाश क्या करेगा अंधकार को खा जाएगा उसको नष्ट करेगा हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. तो अभी यीशु पे हम हमें हमने कल वचन देखा देखा ब्रदर लेंटन हमें बता रहे थे कि हमारा शरीर यीशु का शरीर है बराबर तो यीशु अभी कहाँ पे है हमारे शरीर में है ना तो अभी हम आ, अगर यीशु हमारे शरीर में है तो हम क्या है हम भी लाइट ऑफ द वर्ल्ड है ये पूरे जग का प्रकाश है बराबर बराबर क्या हम जग के प्रकाश है यीशु हमारे अंदर है ना तो क्या हम जग के प्रकाश है तो मेरे पीछे बोलो मैं इस जग जग का प्रकाश हूँ क्योंकि यीशु मेरे अंदर है बोलो मैं इस जग का प्रकाश हूं क्योंकि यीशु मेरे अंदर है मैं इस जग का प्रकाश हूं क्योंकि यीशु मेरे अंदर है तो अगर ओके तो अगर हमारे जीवन में यीशु है यीशु का प्रकाश हमारे जीवन में है तो क्या हमारे जीवन में अंधकार रह सकता है नहीं हमारे जीवन में अंधकार को रहने का अधिकार नहीं है तो हमें क्या करना होगा उसके लिए जो नेगेटिव थॉट्स है जो गलत विचार या फिर बुरी चीजें हैं, वो बुरी चीज़ों का दरवाजा हमें पूरी तरह से बंद करना होगा क्या करना होगा वो अंधकार को हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए ही नहीं देना है क्यों क्योंकि हमारे जीवन में ये शु है अगर ये शु हमारे जीवन में है तो हम कौन हुए इस संसार के प्रकाश हुए बराबर अगर हमें संसार के प्रकाश है तो अंधकार को हमारे जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है हाल प्रेस दलोर प्रेस दलोर हाल अभी जो अंधकार यीशु बात कर रहा है वो अंधकार है जो यीशु के वचन के अनुसार चीजें नहीं करता जो इंसान यीशु के वचन के अनुसार नहीं कार्य करता है उसके जीवन में वो अंधकार होता है फॉर एग्जाम्पल अभी आ, अभी कोई इंसान जिसको एक बुरी आदत है कुछ बुरे कार्य करने की आदत है लेकिन वो वचन भी पढ़ता है उसको वचन भी मालूम है फिर भी उसके जीवन में बुरी आदत है और वो कहता है कि मैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड मैं जीवन का प्रकाश हूँ क्या वो प्रकाश है नहीं है क्यों क्योंकि उसने वो बुरी आदत उसके अंदर रखी है पहले से ही बराबर वो बुरी आदत को जाने ही नहीं दे रहा है वो बाइबल पढ़ता है उसको ज्ञान भी है लेकिन वो उसके अनुसार कार्य नहीं करता वो खाली बोलता है मैं प्रकाश हूँ मैं प्रकाश हूँ मैं प्रकाश हूं, मैं जीवन का प्रकाश हूँ लेकिन वो वैसे परमेश्वर परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं करता है तो वो क्या वो प्रकाश है इस जीवन का इस जग का नहीं है अगर मेरे जीवन में मैं कुछ गलत कर रही हूँ मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे कलीग्स के साथ और मेरे परिवार के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करी हूँ मेरे जीवन में कुछ गलत आदत है वो गलत आदत को मैं छोड़ने नहीं दे रही हूँ और मैं बाइबल पढ़ के ये भी बोल रही हूँ कि मैं प्रकाश हूँ परमेश्वर का प्रकाश हूँ लेकिन वो प्रकाश कार्य नहीं करेगा क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करी खाली बोल के नहीं होता है खाली बोलने से कुछ नहीं होता हमें विश्वास करना है और हमें वैसे कार्य भी करने हैं है अभी आ, बहुत बार लोग हमारी प्रशंसा करते हैं कि वो कितनी अच्छी है वो उसको सब ज्ञान है वो दूसरों को हंसाती है उसके अंदर अच्छा अच्छा कार्य है अभी मैं मेरा बाहर से मेरा अच्छा नेचर दिखा रही हूँ लेकिन अंदर से क्या है मेरे जीवन में अंधकार है तो आ, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में आप गए हो ना स्कूल में ज अभी मेरे क्लास में मैं जब स्कूल में जाती थी तब मेरे क्लास में एक टॉपर था ओके वो लड़का बहुत होशियार था वो आ, बाद में वो बॉय भी बना ओके बहुत होशियार था तो जो बाकी के बच्चे थे ना वो क्या करते थे कि उसके ही पास जाते मतलब वो इंटेलिजेंट भी था दूसरों को हंसाता था हंसाता भी था जोक्स भी क्लास में मारता था बहुत एक्टिव भी था दिमाग एकदम शार्प तो बाकी के सारे बच्चे क्या कि मुझे भी उसके जैसा मुझे भी उसके जैसा बनना है वो कितना अच्छा है उसके साइड उसके पास सब लोग जाते हैं तो दूसरे बच्चे भी क्या करने लगे कि मुझे भी उसके जैसा बनना है मैं भी उसके पास जाऊँगा मुझे भी उसके पास जाना जा है क्या हमारे साथ भी ये हुआ है आपके साथ हुआ है बच्चे कोई हमारे क्लास में बहुत होशियार है बहुत फनी दूसरों को बहुत हंसाता है और हमें भी लगता है कि हम भी उसके जैसे बने हैं ना हाँ तो लेकिन वो बाहर से दिखा रहे लेकिन क्या आपको पता है उसके जीवन में उसके अंदर वो वो जो प्रकाश है क्या वो प्र, परमेश्वर का प्रकाश है या फिर वो अंधकार में जी रहा है जो इंसान हम देखते हैं बाहर से बहुत अच्छा है सब कर रहा है अच्छी अच्छी मतलब दुनिया को हंसा रहा है, लेकिन अंदर ही अगर बुराई है तो क्या उससे अच्छा कार्य होगा वो जो दूसरों को हंसाएगा, दूसरों को आ, अच्छे अच्छे मार्क्स इंटेलिजेंट पर्सन है, वो खाली थोड़े टाइम के लिए ही है बराबर लेकिन अगर मैं मैंने मेरे अंदर मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रकाश नहीं लाया मैंने खाली अंधकार ही भर के रखा है तो फिर मैं दूसरों को कैसे प्रकाश दूंगी परमेश्वर का बरोबर है तुम्हाला समजतं सर्वांना हालेलुय 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 तर आता परमेश्वर काय म्हणतो आपण ते बघूया मॅथ्यू फायव्ह फोर्टीन चाप्टर फायव्ह वस फोर्टीन मत्तईचं शुभ वर्तमान अध्याय वचन चौदा मते का सुसमाचार पाच वचन चौदा ओके okay. वाच तुम्ही तुम्ही जगाचा जगाचा प्रकाश आहात प्रकाश आहात थांब आता हे परमेश्वर कोणाला म्हणत आहे आपल्याला सांगत आहे कोणाला सांगत आहे व बोला मी जगह सा प्रकाश है।, है बोलो मैं जगत का प्रकाश हूँ मैं जगत का प्रकाश हूँ पुड़े। डोंगरावर डोंगरावर वसले ले, नगर नगर लपत नहीं लपत नहीं हिंदी में तुम जगत के लिए प्रकाश हो एक ऐसा नगर जो पहाड़ की छोटी पर बसा है छिपाए नहीं छिपाया छिपाए नहीं छिपाया जा सकता है इन इंग्लिश यू आर द लाइट ऑफ द सिटी दैट इज सेट ऑन हिल के नॉट बी हिडन अभी कितने लोगों ने पहाड़ देखा है कितने लोगों ने डोंगर बैठला है डोंगरावरती जे घर अस्त पहाड़ पे जो घर होता है या फिर कुछ भी हो होटल वो छिप जाता है क्या सबको वो दिखेगा बराबर वो पहाड़ इतना बड़ा होता है उस पर अगर कोई घर हो तो वहाँ पे आजू बाजू में जो भी है उन सब लोगों को वो पहाड़ दिखेगा बराबर तो यहाँ पे वचन क्या कहता है कि मैं जगत का प्रकाश हूँ तो मेरा जो प्रकाश है परमेश्वर का जो प्रकाश है मेरे अंदर बराबर क्या वो छिपा रह सकता है क, प्रकाश कभी छिपा रह सकता है यहाँ पे मैं टॉर्च ऑन कर लाइट ऑन है तो लाइट क्या छिपी हुई है नहीं सबको प्रकाश मिल रहा है बराबर प्रकाश सब जगह फैल गया है तो अगर मैं जग पूरे जग की प्रकाश हूँ तो वो जो परमेश्वर का प्रकाश मेरे अंदर है वो भी क्या होगा कभी छिपा नहीं रहेगा वो सब जगह पे फैला जाएगा जहां जहां मैं चाहती हूं उस इंसान के जीवन में भी वो प्रकाश बदलाव लाएगा उसके जीवन से वो अंधकार को दूर करेगा हाली लिया हाली लिया प्रेस डलोर प्रेस डलोर ओके आपको समझ आया किसी को कुछ डाउट है ओके प्रेस डलोर अभी कौन आएगा प्रेयर करने के लिए जल्दी नहीं तो फिर चूस नहीं आज फास्ट जल्दी जल्दी आओ नहीं तो फिर खेलने नहीं मिलेगा ब्रेक में शॉन आओ हाँ। कम फास्ट जो तुमने पढ़ा उसके लिए थैंक्स गिविंग दो बस उतना ही इधर आओ Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for giving this beautiful day, guiding with your grace and mercy. Thank you, Jesus, that you have preached this beautiful verse to us. Thank you, Jesus, that we are the light of the world. We are the you are your image and likeness. Thank you, Jesus, that you have sowed the seed in the good soil that is sown and have the harvest in the harvest in good good quantity. Thank you, Jesus. I pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.